वेलकम गाइस वंस अगेन ऑन माय चैनल। और आज का ये जो वीडियो है अब वापस से एडिटिंग के लिए होने वाला है। तो जो लोग भी वीडियो एडिट करते हैं और अगर वो फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब भी आप वीडियो एडिट करते हैं, तो रेंडरिंग टाइम को लेकर के। तो रेंडरिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है हमें जब वीडियो को हम आउटपुट के तौर पर रेंडर करते हैं। तो क्या ऐसे सेटिंग्स होने चाहिए, क्या ऐसे बेसिक सेटिंग्स आपको करने हैं अपने फिल्मोरा के सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आपका जो रेंडर टाइम हो वो कम हो और आपका वीडियो का जो आउटपुट है वो बहुत ही जल्दी आपको मिल पाए। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए शुरुआत से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपना फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या ऐसे सेटिंग्स आपको बेसिक सेटिंग्स जो है चेंजेस करने हैं, जिसके बाद जो है आपका रेंडर टाइम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि 7 to 8 times ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। तो गाइज एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रॉ सा प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। एंड फिलहाल ये काफ़ी छोटा सा है, तो बड़ा कोई प्रोजेक्ट देखते हैं। एंड इसे डिलीट करता हूँ और इसे कर लेता हूँ इम्पोर्ट। यहाँ आप इसे कुछ भी कर सकते हो, आप PIP वगैरह कुछ भी डालो, आपका जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। मैं प्रोजेक्ट एडिटिंग अभी नहीं बताने वाला, प्रोजेक्ट एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स अभी बेसिक ट्यूटोरियल्स के कुछ कुछ टिप्स आ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल धीमे धीमे आएगा, सारे सॉफ्टवेयर को कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करूँगा फिल्मोरा से और धीरे धीरे कैमटेसिया वगैरह सबको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या आपको एक्सपोर्ट में जो है रेंडरिंग में क्या आपको ऐसे सेटिंग्स करने हैं। तो गाइज़ जब आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर फर्स्ट टाइम आप जब यूज़ करते रहोगे फिल्मोरा, तो ये WME वीडियो मीडिया का जो ये ऑप्शन रहता है वो सेलेक्टेड रहता है। तो वो आपने चेंज करना है, आपने ले आना है इसे MP4 में, क्योंकि सबसे बेहतर अभी यही वाला फॉर्मेट चल रहा है। तो यहाँ पर जब आप MP4 में कन्वर्ट करते हो वीडियो को, तो इस तरीके से अगर आप YouTube वगैरह पे जब वीडियो अपलोड करोगे, तो वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग टाइम और अपलोडिंग टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि ये पैरेलल हो जाती है जिस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करता है YouTube। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए, ये आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गाइस अभी देखना क्या है कि अगर आप सिर्फ HD के लिए अपने वीडियोज़ को कन्वर्ट करना चाहते हो, टाइप मतलब 1280x720p के अंदर अगर आप एक HD रेजोल्यूशन वीडियो को आउटपुट लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है। लेकिन अगर आप फुल HD चाहते हैं, 2K वीडियोस के फॉर्मेट पे चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 920x1080 सेलेक्ट कर लो। एंड आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इनकोडर के अंदर आप जब बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे, तो H.264 आपका सेलेक्टेड होगा, वो आपने रिमूव करना है। और आपको यहाँ पर H.264 HD ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो ये अगर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका ऑलमोस्ट जिस तरीके की आप आउटपुट आपको H.264 पे मिलेगा, वही आपको HD ऑप्टिमाइज पे भी मिलेगा। गाइज देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो बिटरेट का सारा खेल है। तो वो मैं बहुत डिटेल में अभी यहाँ नहीं कवर करने वाला, मैं बाद में उसके लिए कुछ बनाने वाला हूँ एक वीडियो फॉर्मेट के ऊपर, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि H.264 HD ऑप्टिमाइज आपने सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पर जब आप देखोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिल्मोरा का बहुत अच्छा सा ये एक केस है कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन दे के रखते हैं कि आप वीडियो क्वालिटी जो है किस तरीके का आप चाहते हैं। गाइज देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं, कि गाइज अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा, आप खुद ही मेरे लैपटॉप का स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो अगर इस तरीके की रिकॉर्डिंग को आप अपलोड करने वाले हैं, या इस तरीके की रिकॉर्डिंग फुल अगर इस तरीके की रिकॉर्डिंग है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गुड को भी सेलेक्ट कर सकते हो। गुड इसलिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही क्लीन रिकॉर्डिंग होती है ये। अगर आप कैमरे वगैरह से या अपने फ़ोन वगैरह से रिकॉर्डिंग करते हो, तो वहाँ पर आप अमूमन बेस्ट पे रखो, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती, तो कैमरा जो है आपका फ़ोन का वो फुल इफ़िशेंसी से काम नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह अपने लैपटॉप्स वगैरह का यूज़ करते हैं या अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो काफ़ी क्लीन रिकॉर्डिंग होती है। तो आप गुड पे इसे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर अगर आप जैसे ही गुड
पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो अपने आप देखोगे यहाँ पे जो बिटरेट है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है फिल्मोरा। अगर आप बेटर पे करते हो तो आप अगेन देखोगे बिटरेट चेंज हो गया। अगर आप बेस्ट पे लेके जाते हो तो बिटरेट चेंज हो जाता है। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने फ़ोन वगैरह की रिकॉर्डिंग या कैमरे की रिकॉर्डिंग को आप रेंडर कर रहे हो तो जब आप बेस्ट पे रखोगे तो 1000 kbps 10000 kbps वो अपने आप सेलेक्टेड रखेगा। अगर आप कि आप आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वो लो लाइट के अंदर रहा है या आपको पता है कि रिकॉर्डिंग इतनी क्लीन नहीं आई है तो आप एटलीस्ट जितना ज़्यादा हो सके एटलीस्ट अगर 10,000 है तो 20,000 टू 20,000 kbps के आसपास आप सेलेक्ट करके रखो ताकि एटलीस्ट जितनी अच्छी आपकी रिकॉर्डिंग हुई है उतना ही सेम टू सेम आपको आउटपुट मिल जाए तो आपका जो भी है वीडियो क्वालिटी में डिग्रेडेशन नहीं आएगा और आपकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब आप आउटपुट लेने वाले रहोगे तो आपको जो ये फ्रेम रेट है इसे आपने सेलेक्ट करके 29.97 करना है। ये करने से होगा क्या, 29.97 fps जो है वो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर का अभी प्रेजेंट टाइम में स्टैंडर्ड बिट रेट है, स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है। तो इस तरीके से जब आप वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब वगैरह पे तो अपलोडिंग काफ़ी फास्ट होगी, प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी और आपका वीडियो जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आउटपुट के तौर पे आ जाएगा तो आप इसे कहीं भी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आसानी से यूज़ कर पाओगे। अभी गाइस एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप ऑडियो सेटिंग के अंदर आते हो, ऑडियो सेटिंग यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है तो फिल्मोरा के अंदर ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा ऑप्शन मिल चुका है आपको कि यहाँ पर आपने क्या करना है सबसे पहले कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग काफ़ी क्लीन है मतलब नॉर्मल आपने माइक वगैरह या माइक्रोफोन वगैरह यूज़ करके किया हुआ है तो आप 128 kbps रख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं .mp3 फॉर्मेट का जो भी सॉन्ग वगैरह होता है अमूमन 128 kbps के फॉर्मेट में रहता है, पर आई विल सजेस्ट कि नॉर्मल अगर अच्छी रिकॉर्डिंग है तो 192 kbps पे रखो। अगर रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर नहीं आई है, उतनी क्लीननेस नहीं है तो 256 kbps रखो। ये ऑडियो सेटिंग चेंज करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे आपके वीडियो के साइज़ के ऊपर। अभी गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मली कि क्या चेंजेस रहेंगे। तो आप देखो मैं H.264 पे रखता हूँ, बेस्ट क्वालिटी के ऊपर रखता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस्ट देता है वो रखते हैं एंड ओके करते हैं। एंड लेट्स सी द साइज़, 915.8 MB का ये वीडियो है, अभी 11 मिनट का वीडियो तकरीबन 1 GB के आसपास जा रहा है। अभी आप मैं करता हूँ HD ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ उसे एंड फिर साइज़ देखते हैं कि क्या आता है। गाइस मैंने कुछ नहीं किया, बस HD ऑप्टिमाइज़ किया, मैंने अभी कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं किए हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। जब HD ऑप्टिमाइज़ हम लोगों ने कर दिया इसे, जब मैंने इसे ऑप्टिमाइज़ किया है तो गाइस आप एक चीज़ देखो कि साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, पर जब इसे रेंडर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम में आपको डिफरेंस नज़र आएगा क्योंकि ये है एक तरीके का, मुझे बैकग्राउंड में क्या ये करता है इसका कुछ खास समझ नहीं आता, लेकिन जब आप इसे HD ऑप्टिमाइज़ के ऊपर रखते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेंडर करता है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अगर आप गाइस देखो नॉर्मल अच्छी रिकॉर्डिंग है आपकी, काफ़ी बेहतर तरीके से रिकॉर्ड हुआ है आपका वीडियो, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे नॉर्मली अगर फुल HD पे रखते हो तो आप 6000 kbps के आसपास लेके जा सकते हो, दैट इज़ गुड वाले सेटिंग पे आप लेके जा सकते हो। और साउंड रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शंस आपको ऐसे रखने हैं एंड देन आफ्टर आप जैसे ही देखते हो गाइस कि अगर आप गुड पे लेके जाते हो तो आप खुद देख सकते हो कि साइज़ कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया, क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं नज़र आएगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड देन आफ्टर आपने एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को और इससे एटलीस्ट आपका जो वीडियो रेंडरिंग का जो टाइम है 4 to 5 times जो है रिड्यूस हो जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वीडियो को रेंडर कर पाएंगे। गाइज आई गेस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।